विपरीत चली हूँ मैं, तूफान मेरा क्या कर लेगा। क्या बात है। टूटे पंख उड़ी फिर भी, हवा का रुख भी बदला है। जिद्दी है विद्रोही मन मेरा, बस सोचता है चल देता है। नमस्ते शख्स, मेरा नाम दिव्या है। मैं प्रज्ञा हूँ, हम बहने हैं और हम आगरा से हैं। शख्स, आप ज्वेलरी पहनते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है खूबसूरत दिखना, है ना? पर ज्वेलरी सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया भी तो है। हमारा मानना है कि ज्वेलरी बस एक डेकोरेशन पीस नहीं, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होनी चाहिए। इसलिए हमने शुरू किया क्वर्कस्मिथ। क्वर्कस्मिथ एक ऐसी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है जहां हम कविताओं से प्रेरित होकर ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं जिसके जरिए आप अपने जज्बातों को ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट रेंज में है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जैसे नेकलेस जो आपको ख्वाब देखने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर अहम ब्रह्मस्मी थंब रिंग जो आपको मुश्किल दिनों में स्ट्रेंथ देगा। हमारी सबसे बड़ी USP है हम दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। दिव्या इस पूरे सेटअप का दिल और आत्मा है, और प्रज्ञा इस पूरे सेटअप का दिमाग है, शरीर है। और जब शरीर और आत्मा मिलेंगे तो जादू होना तो लाजमी है। पिछले 7 सालों में हमने 3 लाख से अधिक लोगों की एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करी है, और हमारा सारा बिजनेस वुमेन लेड है। अपनी मेहनत और लगन से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, पर यहाँ से आसमान छूने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। शख्स, हम चाहते हैं कि देश ही नहीं दुनिया भर में लोग इन जज्बातों को ओढ़े और पहने। हमारी आस्क है 80 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए 1% इक्विटी। और फिर वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। क्या बात है, क्या बात, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। Shall we help you experience the product? Oh, that would be lovely. That is for you, Aman. Thank you. आपकी सारी ज्वेलरी आपकी खुद की, yes, की जी, है। जी. Beautiful. शोर नहीं एक नई आवाज की शुरुआत। मनमौजी मैंने आपको दिया है तो मनमौजी। आपकी जो बेफिक्री है मुझे लगता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए मनमौजी चुना। तो मनमौजी जो है उसमें भी मैंने कुछ 2-3 लाइन्स लिखी हुई है कि चल चल रस्तों पर साथ मेरे तू भी बेफिकर, मंजिल की क्यों फिकर, मैं मनमौजी रे। और नमिता को जो मैंने हम लोग ने दिया है वो है हसरत है शदीद तो रास्ते मिल जाएंगे, तो ये जो है वो बहुत इट्स होपफुल कविता है कि कैक्टस के किसी पौधे पे देखा तो होगा फूल को आते, रेगिस्तान में भी पानी का पोखर कहीं मिला होगा, छत पर आई सीलन पर पीपल के पौधे उग जाते हैं, है हसरत शदीद तो रास्ते मिल जाते हैं। आपका हर चीज बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। I would just like to point one thing that what we gave you is a मुसाफिर car hanging for car देखो। So thank you। गले में लगाने का नहीं था, उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कार में लगा। यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। मैं भी मुसाफिर हूँ। तो आप लोगों ने पहले क्या किया है? मैं निफ्ट की पास आउट हूँ। निफ्ट गांधीनगर से मैंने ज्वेलरी डिजाइन सीखा, वहाँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो मैं ट्रेंड सिल्वर स्मिथ भी हूँ। ये क्वर्कस्मिथ स्टार्ट करने के पहले मैंने 15-16 साल काम किया। आपको काफी एक्सपीरियंस है आपको ज्वेलरी में? जी जी। और आप? मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, मैंने IIT दिल्ली से बीटेक एमटेक किया इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी 2007 में। उसके बाद मैंने बेन एंड कंपनी ज्वाइन किया, मैं उनके साथ तकरीबन 6 साल तक थी। आई ऑल्सो वेंट टू बिजनेस स्कूल एट INSEAD सिंगापुर एंड फ्रांस, और वापस आके 2 साल बेन के साथ काम करने के बाद मैंने इनमोबी में उनकी स्ट्रेटजी टीम के साथ 1.5 साल काम किया, और उसके बाद वी वर टॉइंग विद द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर, और 2016 में फिर हमने क्वर्कस्मिथ की शुरुआत करी ऑनलाइन जाकर। आपने स्टार्ट साथ ही किया था? दिव्या तकरीबन 2 साल तक अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट बस डिजाइन में था तो इसका टाइम कम लगता था। मैंने इनमोबी छोड़ के 3 महीना शॉपिफाई पे वेबसाइट सेटअप किया, फ्रेंड्स के साथ हमने पिक्चर्स लिए, बूटस्ट्रैप मैनर में इसको बिल्ड किया वेबसाइट को खुद। एक बात बताइए, आप इतनी तोड़ू टीम, इतने कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, ग्रेट मार्केटिंग, सोफा जो भी दिख रहा है, फुल पैकेज, तो आपने कोई पैसे या फंडिंग उठाए नहीं है? फुली बूटस्ट्रैप अब तक? हाउ कम? वी वर ऑन अ गुड पाथ टिल कोविड, हम हर साल डबल कर रहे थे अपना सेल।
फिर कोविड हिट तो एकदम नीचे हो गया, तो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई उस समय. सो वी फोकस्ड ऑल आवर अटेंशन ऑन बिल्डिंग द ब्रांड, लाइक दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. अभी हमने मुश्किल काम कर दिया मुझे लगता है ब्रांड बिल्ड करने का. नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस एक सर्टन स्केल पे पहुंच गया है. लास्ट ईयर 2022-23 वी क्लोज्ड एट 6 करोड़. वेरी गुड. द ईयर बिफोर दैट वी वर एट 5 करोड़. तो काफी अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ जी. और उसके पहले हम 2.5 करोड़ के पहले जो आपने बोला पीक था तब कितना करते थे? तब हम 3.7 तक पहुंच गए थे. और कहां बेचते हो ये? 95% थ्रू आवर शॉपिफाई वेबसाइट. योर ओन वेबसाइट. तो आपने 6 करोड़ सेल्स के लिए 80 करोड़ वैल्यूएशन किस हिसाब से सोचा है? तो ये लास्ट ईयर था नमिता. 22 से 23 में हमने टीम में इन्वेस्ट किया है. टीम का वैल्यूएशन नहीं होता, पिछले महीने का नंबर बताइए. हमने अगस्त 75 लाख पे क्लोज किया. जुलाई में वी वर एट 58 लाख. जून वी वर एट अबाउट 65 लाख. एवरेज 65-70 चल रहा है आपका जी. आपका ट्रैफिक कितना है वेबसाइट पे? 1.2 लाख पर मंथ के विजिटर्स हैं. वर्क्स में ऐसे टाइप करके कितना ट्रैफिक आता है? ब्रांडेड सर्च 10-12 हज़ार लोगों की होगी इन अ मंथ. 10% ही आपका डायरेक्ट आता है मतलब जी. जब ब्रांड स्ट्रांग होगी ना आपकी, वो बहुत बढ़ जाएगा. तो अभी और मेहनत करनी चाहिए ब्रांड को. और ये कितने का बनता है? इसका MRP 3000 है. COGS तकरीबन 40% इसका, अराउंड 1200 का बनता है. और आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना पड़ता होगा? हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 2500 रुपए है. आप पैसे बना रहे हो? जी, हमारा नेट मार्जिन 4% है. लास्ट ईयर जो हमने 6 करोड़ के सेल के कितने पैसे बनाए? उस पे 24 लाख हमने. आप बेन से आए हो पता है? बेन में स्टार्टिंग सैलरी 50 लाख होती है. जी पता है मुझे. जब आपने बेन छोड़ा होगा तो आपकी सैलरी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल आपकी डेफिनेटली 1.5-2 करोड़ होगी. Yes. तो उसके बाद 7 साल तक आपने ये बिजनेस किया एंड यू मेड 24 लाख बिटवीन बोथ ऑफ यू. समथिंग इज नॉट एडिंग. ऐसा क्या हो जाएगा हमारे आने से कि ये बिजनेस सडनली यहाँ पहुंच जाए? लाइक आई सेड, छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करके यहाँ तक पहुंचे हैं. हमने पर्पसली मार्केट प्लेसेस पे नहीं डाला. मार्केट प्लेसेस पे GMV आना इज समथिंग दैट वी कुड हैव डन. हायर वन डाला क्योंकि हम पूरा फोकस अपना ब्रांड बिल्ड और स्टोरी टेलिंग पे कर रहे थे. अभी ऑनलाइन लोग ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं वेबसाइट पे. लाइक आई सेड, हम पॉपअप जाते हैं, बहुत प्यार है ब्रांड के लिए, 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, सारी स्टोरीज पता है, लेकिन अभी शॉप नहीं किया. क्यों नहीं किया? आप बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए प्राइसिंग में दिक्कत है? हम काफी कंपेटिटिव हैं. आपके कस्टमर्स बोलते हैं कि आप एक्सपेंसिव हैं कि नहीं, आपको लगता नहीं, है कि आप? इनफैक्ट फॉर द डिजाइन लैंग्वेज मतलब हम काफी सही प्राइस्ड हैं. एक परसेप्शन है कि आपका ज्वेलरी काफी क्रिएटिव है और मैं डे टू डे में ये नहीं पहनती. ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है. तो अभी हमें मार्केटिंग पे काम क्या करना है कि डेली वेयर के जो डिजाइन है उन्हें बाहर लेके आना है. तो अभी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लिया है जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसमें बिलीव करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर इज ऑल्सो टू मेक थिंग्स दैट More and more people want. आपने मल्टीपल टाइम्स प्रज्ञा बोला दैट हमारा ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया है. जब ब्रांड बनता है ना तो वो बहुत सारे वेज में दिखता है, इंक्लूडिंग रिपीट्स, इंक्लूडिंग कंज्यूमर वांटिंग टू पे दैट 3000 का प्राइस पॉइंट. यू विल फाइंड द आंसर. यू डोंट हैव इट राइट नाउ. आई एम आउट. गुड लक. आई थिंक आपका जो मार्केट सेगमेंट है अभी बहुत ही नीश है और जब तक आप आपके कलेक्शंस और प्राइसिंग को चेंज नहीं करेंगे आपको स्केल आने में और बहुत टाइम लगेगा. सो आई होप यू डू दैट. बट आई एम आउट फॉर टुडे. आई विश यू द बेस्ट. ग्रेट प्रोडक्ट्स, आपकी प्रेजेंटेशन भी जोरदार थी लेकिन कहीं स्ट्रगल दिख रही है और कंफ्यूजन दिख रही है. ये जो हिंदी स्क्रिप्टेड ज्वेलरी, आई थिंक ये आपकी पहचान है. इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आई एम नॉट श्योर क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी पीसेज 1-2 लेंगे. आई डोंट थिंक रोज उसी टाइप की ज्वेलरी वो पहने. आपको ओकेजन वेयर से डेली वेयर जाने में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. आई विश यू द बेस्ट. थैंक यू. मेरे को आप लोग के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बहुत ही अच्छे लगे. आप एकदम यिन यांग टाइप का पेयर लगे. एक जगह मैच चल रही है, एक जगह एकदम आपने जो वैल्यूएशन लगाई है कंपनी की, तो मेरा ऑफर रहेगा 30 लाख फॉर 3% एंड रेस्ट 50 लाख आई विल गिव इन डेट फॉर 12% एंड टर्म ऑफ द लोन वुड बी 2 years.
अमन आप ब्रांडिंग और डिजाइन की बात मत करो, मेरा हमारा ब्रांड बन गया। ब्रांड तो मेरा आज पता हमारी सेल 4,000 करोड़ की, फिर भी हमें लगता है कि इस ब्रांड नहीं बना। ब्रांड इवॉल्व होता रहता है और ब्रांड करते रहना चाहिए, ब्रांड तभी बनेगा, राइट? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया इवॉल्व। ऑनेस्टली अब तक के सफर में ना हमने धीरे चलने का एक्चुअली प्लान किया था, पर अब हमें ना पहली दफा ऐसा लगा है। कब लगा? कुछ 6 महीने पहले। छह महीने क्या लगा जी? कि हमें अब बड़ा होना है, ये हमने डिसाइड किया है अब। रियलाइजेशन हो सकता है कि इतने साल हो गए इस वजह से, और हमारी जो टीम है ना उसके साथ हमें काम करने में इतना मजा आ रहा है कि उनको ग्रो करते हुए देख जो हमें खुशी मिलती है ना वो हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं समझ गया आपकी बात, पर मेरे पैसे कैसे वापस आएंगे? हमें एक्चुअली रिटेल करना है, हमें एक्सपोर्ट में जाना है। तो अभी तो आपको आता ही नहीं एक्सपोर्ट करना। वही तो, इतना कुछ सीख लिया हमने। अब आप फास्ट ग्रोथ करने में तैयार हो? जी हाँ बिल्कुल। मेरे को एड्रेनलिन चाहिए होता, मेरे को रश चाहिए, मेरे को फास्ट ग्रोथ। मेरे में इतना एड्रेनलिन है कि सब परेशान हो जाते हैं मुझसे। तो मैं आपको 30 लाख देता हूँ at 3.3%, which is equal to 9 crores valuation, and rest 50 lakhs debt at 12% for 3 years. Okay, second deal is 1 crore less valuation, lekin 10 year of loan is 1 year more. Manmauji ya musafir, decide karna hai. So we'll just take a minute and come. Thank you. Kya kare? We'll have to be together, yeah, in this. Yeah. बहुत शुक्रिया आपके ऑफर्स का, बहुत शुक्रिया आपके विश्वास का, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये जो थोड़े से टाइम में आपने हमें क्रैश कोर्स दिया ना उसका। क्योंकि दिमाग के ना बहुत सारे पर्दे खुले, बहुत सारे सवाल उठे और बहुत मजा आया हमें। आप रिजेक्शन भी इतना प्यार से करती हैं? जी। कोई काउंटर है आपके पास? हमारे पास कोई काउंटर नहीं है सर। आप आए क्यों थे यहाँ टाइम हमारा खराब करने पर? 80 crore की वैल्यूएशन के लिए। But we can all discuss, valuation, debate, valuation negotiate. Is a big gap ना, 9 crore 80 crore. किस चीज़ में problem? Valuation. जी। तो आपको काउंटर क्यों नहीं दिया आप? अभी हमें एक तो I think debt और revenue financing हम बाहर से भी ले सकते हैं, that is not our agenda. आपको debt नहीं चाहिए, right? मैं आपको offer थोड़ा सा modify करके देता हूँ, ठीक? No, एक second. मैं देखो, मैं अभी out. आप आए, इतनी आपने खूबसूरत कहानियां सुनाई, आपने बोला हमें चाहिए, हमें सीखना है, हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हमें दिशा चाहिए जी। मेरे को तो मतलब विश्वास खत्म होना लग जाएगा लोगों पे जब एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और पिच करेंगे। समथिंग इज नॉट मैचिंग अप, देयर हैज टू बी सम सीरियसनेस इन द वे यू आर रनिंग योर बिजनेस मैन। सॉरी, आई एम गोना गिव यू द फाइनल ऑफर बिकॉज़ आई डू बिलीव यू विल बिल्ड समथिंग लार्ज। I'll convert the deal कि 30 lakh पे 3%, वही इक्विटी ऑफर सेम है। 50 lakh जो है वो आपको मिलेगा, पर आपको रॉयल्टी फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपसे 2% ऑफ सेल लूँगा एज रॉयल्टी। और जब ये 50 lakh जो दिया इसका 1 year वापस आ जाएगा मेरे पास, वो बंद हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग। तो आपकी सेल्स डिपेंडेंट है अब, ना कि आपको कोई EMI पक्की है कि आपको इतनी देनी देनी। आई वुड लाइक टू गिव अ काउंटर ऑफर प्लीज। हम 80 लाख एट 1.5% इक्विटी इज समथिंग वी वुड लव। वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड ही नहीं है, फिर जो एंट्री ले रहा है उसको एग्जिट लेने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आपको उस सेंस में सोचना जरूरी था। बट आई डेफिनेटली वांटेड टू जॉइन हैंड इन सिक्योरिटी गाइस, और वो हो नहीं पाया। बट थैंक यू, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई एम आउट नाउ। थैंक यू। अब क्लियर कीजिए अपने कंफ्यूजन को। इंटरनेशनल जाना है, लोकल बनाना है, डेली वेयर बनाना है, ओकेजन वेयर बनाना है, इमोशन बनाना है, पर्पस बनाना है। आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड, सो टेक सम टाइम आउट। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। हाई होप्स, वेरी हाई होप्स आई हैड, एंड सो डिसअपॉइंटिंग।